हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरी तो आंख लग गई थी, अभी अभी उठाऊं। तो अभी हम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा अध्यात्म और योगा में भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो उस वर्क ऑफ फील्ड में भी थोड़ा हम करते रहते हैं, ध्यान हो गया, वो हो गया। तो आज हम एक कुछ योगिक डाइट फॉलो करूंगा मैं। योगिक डाइट तो नहीं, मतलब वैसे जो फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, उसका मिश्रण, जो जिनमें जो प्राणिक फूड होता है। तो जैसे कि मेरे पास है कोकोनट वाटर। हालांकि ये वैसा नहीं है कि असली कोकोनट, मतलब असली असली है, मतलब बॉटल में बंद है, लाइव कोकोनट नहीं है। बस एक सेकेंड, मैं इसके लिए गिलास लेके आता हूँ। से ठंडक इश्क की तुम हो, रवायत रवा रवा में तू है, जफा जफा में तू है। कोल्ड प्रेस्ड होता है ये, काफी टाइट होता है। तो ये रहा हमारा नारियल पानी, ठीक है। धूप में तुझसे ठंडक इश्क की तुम हो रवायत। बाकी जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन कहते हैं। और इसके साथ हम लेंगे एक बनाना, जो कि प्राणिक फूड में बहुत बहुत आगे माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। ये हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, इश्क की अपनी जगह में आ जाते हैं ना, जो अपना प्लेस है, रियाज एंड जो अपना लॉन्च है, एक तरह का कहेंगे आप, लाइव लॉन्च, ठीक है। कोकोनट वाटर, फिर हम लेंगे एक बनाना, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक लेंगे हम टमाटर, जो कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है। और हालांकि इसको सब्जी बोलते हैं ज़्यादातर, तड़का लगाते हैं, पर ये फ्रूट होता है एक टाइप का। तो प्राण, जो ऊर्जा, जो प्राणिक सिस्टम है आपकी बॉडी में, उसको बढ़ाता है। और एक लेंगे हम खीरा, जो मुझे नहीं मतलब इसके बारे में स्पेसिफिकेशन पता, पर एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं इसको खाता हूँ तो मुझे एक एनर्जी फील होती है कि ये प्राणिक सिस्टम को देता है थोड़ी ऊर्जा। खीरा हो गया। और लेंगे हम शिमला मिर्च, जिसमें कि विटामिन सी और काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, में मुझे एज अ योगिक लाइफ जीने में सहायता करता है। सबका अलग अलग पैटर्न होता है, मैं अपना बता रहा हूँ। कभी कभी मैं इस तरह के फल फ्रूट, तो शिमला मिर्च का जो है, ये देखिए, इसको ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, और इसका ये बाहर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक, पहले इसको मैं धो लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए, इसे धो लिया जाए, और आज एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्यों? तो दोस्तों, ये रही मेरी लाइफ खोज आज, कोको शिमला, क्या कहेंगे इसे, शिमला कोको वाटर। ये देखिए, तो ये भी एक वेजिटेबल है जो प्राणिक है, मतलब जिसमें ऊर्जा बहुत है, डेड नहीं है। जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, वो डेड फूड होता है, और ऊपर से कोकोनट वाटर। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। दोस्तों सच बताऊँ तो कोकोनट वाटर में शिमला मिर्च का स्वाद थोड़ा थोड़ा आके मिल गया था। है तो हेल्दी, और ट्राई करते हैं। इस तरह का ड्रिंक बनाना चाहिए यार, शिमला मिर्च में कुछ और भी डाल सकते हैं, उसके बाद इसे खा जाओ। हेल्दी का हेल्दी, और फूड की वो जो
बाद में जो रैपर्स वगैरह होते हैं वो भी उसका चक्कर भी नहीं है। देखा आपने कभी ऐसा? तो इस यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं इसको कच्ची खा रहा हूँ, अब आप कोई दूसरा फूड है जैसे चिकन है या वो है, उसको आप एक दिन रख दो, क्या होगा अगले दिन? अगले दिन वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन जैसे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, इनको आप अगर एक दिन रखते हो, मैं अभी रख दूँ, कल को ये सड़ेगा नहीं, ये और इसका ये और मतलब पकेगा और बढ़ेगा। तो जैसा इफ़ेक्ट ये अपने पे देते हैं, वैसा ही जो हम खाते हैं अंदर, हमारी बॉडी पे भी ये ऐसा इफ़ेक्ट देते हैं। तो जब आप एक आध्यात्मिक रास्ते पे होते हैं तो और सटल चीज़ों को आप महसूस करते हैं, फिजिकल से पहले जो मानसिक शरीर है वो, फिर प्राणिक शरीर है, तो ऐसे से धीरे धीरे जीवन में बदलाव आते हैं। इंसान अपनी अपनी तरह से लेता है चीज़ों को, और ये सिस्टम में जो है जल्दी डाइजेस्ट भी होते हैं, सिस्टम को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। इनको खा के एक ऊर्जा से आती है, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो भी ऑलमोस्ट जो पौराणिक फूड है। तो जिस मिट्टी से ये चीज़ें बनी हैं उसी से हम बने हैं। दिस इज़ ऑल्सो लाइफ, वी आर टेकिंग अनदर लाइफ टू मेक पार्ट ऑफ अवर सेल्फ। और जो केला है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्राणिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और दोस्तों, फल फ्रूट सब्जियाँ, फल फ्रूट खाने का मेरा इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता या मेरे पास खाना नहीं है या मैं खाता नहीं हूँ। मैं खाता हूँ, बिरयानी मंगा सकता था अभी अभी, मैं दाल चावल यहाँ उबाल देता। चपातियाँ बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मैं घर पे खाता हूँ। तो पर एक होता है जब आप एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं लाइफ में, कि डेली आप अगर मेडिटेशन करते हैं और योगा करते हैं, तो अपने आप ही जो माइंड है, जो सिस्टम है, वो इन चीज़ों की तरफ मतलब ड्रॉन होता है, खुद ही ध्यान इन चीज़ों पे जाता है कि जो जो खाना आपको हल्का करे वो आप खाओगे, जो बीमारियां कम दे, सेहत ज़्यादा दे वो आप खाओगे। होने को मैं खा लाने को भी बिरयानी मंगा सकता हूँ, डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगा लूँ या यहाँ पे खुद पका लूँ, पर ये फूड खाने में भी अच्छा है, लाने में भी अच्छा है, पचाने में भी अच्छा है। तो क्यों ना यही करें एज अ योगिक डाइट। तो बाकी चीट डे, चीट मील कभी कभी हो गया, मतलब पता है कि एनर्जी काफ़ी इकट्ठी हो गई, थोड़ा सा चीट डे कर भी लेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम को। तो ये थोड़े मेरे को टेस्टी भी लगा वैसे। नहीं, योगिक डाइट हो गई पूरी, अब हम बैठेंगे ध्यान के लिए, थोड़ी मेडिटेशन ज़रूरी है वो भी लाइफ में, क्योंकि एक बार जब ध्यान का रस लग जाए ना, तो उसके सामने बाकी रस फीके से पड़ जाते हैं सारे। ध्यान का मतलब जाने ये है कि आप ज़िंदगी में अब जागना शुरू हुए हैं, थोड़ा जो रूटीन होती है ज़िंदगी की, जो मंडेन प्रोसेस है, उसको समझ लेते हैं। मतलब जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं ना, बेसिक नीड्स, सर्वाइवल प्रोसेस इज़ ओवर, उसके बाद भी इंसान में कुछ ऐसा है अंदर जो एक्सपेंशन चाहता है, जो फैलना चाहता है, और दिस इज़ रेस्टलेस, उसकी जो नेचर है वो बाउंडलेसनेस है।
तो वो कभी भी सेटल नहीं होता जब तक वो बाउंडलेस नेचर जो है, जो बाउंडलेस डायमेंशन है, उसको ना पा ले। तो ध्यान एक मार्ग है, एक रास्ता है उस डायमेंशन तक पहुंचने का। और हर कोई यही सीख कर रहा है, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। लोग कहते हैं कि हम तो जी पैसा कमाने में लगे हैं, हम पद प्रतिष्ठा कमाने में लगे हैं, हम ध्यान कहाँ करते हैं। पर वो जो अंदर आत्मा की खोज है, वो पैसे से मिलता क्या है? एक खुशी मिलती है ना, चेतना को एक नया एक्सपेंशन मिलता है। तो धन कमा लेगा, फिर पद प्रतिष्ठा कमाएगा, इससे आगे 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 इससे फैलता जाता है। लेकिन एक जो ध्यानी है, वो समझ जाता है गेम को। वो एक एक पौड़ी चढ़ने के सिवाय सीधा अप्रोच करता है बाउंडलेसनेस को। ध्यान मतलब आप समझ चुके हैं कि संसार की जो गेम है, कि एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य से तीसरे लक्ष्य से इंसान बिगर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ चाहता है, इनफाइनाइट तक। और ध्यान एक रास्ता है उस इनफाइनाइट तक सीधे पहुंचने का, एक छलांग लगती है, ना कि आप जन्म जन्म तक भटकते रहो। आपको फिर हर जन्म धन कमाने की, पद प्रतिष्ठा कमाने की, एक दूसरे को पीछे खींचने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपसे ध्यान के बाद, जब ध्यान पूरा होता है। तो भाइयों, मैं अब मेडिटेशन करके उठ चुका हूँ, तो मिलते हैं आपको जल्दी अगले ब्लॉग में कुछ नया लेके। पीस आउट।